का कक्कड़, आपकी बारी है, बोलिए। अब अगला नंबर केजरीवाल का है, संजय सराफ इशारा कर रहे हैं। मैंने सबको बहुत पेशेंटली सुना, बट जो यहाँ पे अभद्र भाजपा के प्रवक्ता कम पढ़ी लिखी सरकार के बैठे हैं, जो अपनी बारी तो ऑनरेबल पीएम और केजरीवाल के लिए तू तड़क केजरीवाल तू तड़क कर रहे हैं, तो उनको मैं बता दूं जरा दो तीन बातें कि इन्होंने बड़ा पुरजोर बताया। आरपी सिंह जी वो आपके लिए नहीं कह रही है, वो संजय सराफ के लिए कह रही है। अंकल चुप, वो संजय सराफ के लिए कह रही है। आपने बदतमीजी की। अरे आरपी सिंह जी आपके लिए नहीं कह रही है, वो संजय सराफ के लिए कह रही है। मैं आपके बीच में बोली, मैं आपके बीच में बोली। आपने कहा कि भाजपा के प्रवक्ता अभद्र भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। मानक, मैं कभी किसी भी नेता के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में अभद्र भाषा नहीं, मैं लॉजिक के साथ बात करता हूँ, तथ्यों के साथ बात करता हूँ। प्रियंका बोलिए, प्रियंका आपको किसकी भाषा से आपत्ति है, किस चीज से आपत्ति है? मैंने हाँ, जो भी मुझसे पहले स्पीकर थे वो बात कर रहे थे कि ऑनरेबल पीएम, बट केजरीवाल जी के लिए वो तू तड़ाक की भाषा यूज कर रहे थे, मैं उनके लिए बोल रही थी। और भाजपा वाले इतने उत्तेजित ना हो, अगर आज उन्होंने तमीज से बात की भी है तो फर्स्ट ही होगा। आप सारे प्रवक्ताओं को जानते हैं, भाजपा तो आरपी सिंह जी है, पुरानी डिबेट्स मेरे साथ, मैं आपको दिखा दूंगी कितने घोटाले में क्या क्या हाथ है, किस किस का हाथ है उस पे। हो वो केजरीवाल जी का हाथ है या नहीं, बता रही हूँ, बता रही हूँ, सुनिए आराम से सुनिएगा। मैंने सबको सारी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की होती है, और मुख्यमंत्री की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। मानक जी आपको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। आरपी सिंह जी रुक जाइए, आरपी सिंह जी रुक जाइए, मानक जी यू विल हैव टू कम इन बिटवीन। यहां बोलिए प्रियंका, बोलिए, सबको बोलने देती हूं, बोलिए बोलिए बोलिए। हां देखिए, इन्होंने पहला एक गलत तर्क दिया कि कांग्रेस को हमने वहां पर हमने मिसयूज कर लिया, इनको पता नहीं क्यों कांग्रेस की चिंता है, क्योंकि फॉर्मर स्पीकर जो कांग्रेस की लीडर मीरा कुमार जी हैं, उन्होंने भी बड़ा स्पष्ट बयान दिया था कि अलग अलग चीजें हैं लॉ और अलग अलग चीजें हैं ये जो चल रहा है। क्योंकि देखिए पंजाब में स्थिति ड्रग्स को लेकर क्या है, ये किसी से छुपा नहीं है। 2015 में भाजपा की सरकार ने ये एफआईआर मंत्रियों को भ्रष्टाचार के आरोप में अरेस्ट किया। आरपी सिंह जी बोलने दीजिए, मैं आपको मौका दे दूंगा जवाब देने का, बीच में प्लीज उनको बोलने दीजिए, उन्होंने आपकी पूरी बात सुनी ना। आरपी सिंह जी एक एक करके मैं आपको मौका दूंगा, आरपी सिंह जी ऐसे मैं एक एक करके सुन नहीं सकते। प्रियंका बोलिए, पूरी करिए, सुन नहीं सकते, डर लगता है। जिसको हमने हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा लीडर बड़ा है कौन सा छोटा है, हमारा वॉर ऑन ड्रग्स है। और वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कांग्रेस ने भी अरेस्ट किया, भाजपा ने एफआईआर की, और अभी उनका सेकंड अरेस्ट है। तो लेट्स नॉट गेट इनटू इट। पहली चीज, हर केस का फैक्ट डिफरेंट होता है, पर भाजपाइयों के लिए मुश्किल है समझना, मैं समझती हूँ। जैसे बार बार कह रहे थे बेल क्यों नहीं मिल रही, बेल क्यों नहीं मिल रही, तो आज भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बहुत ड्रैकोनियन एक्ट होता है, इसके अंदर जब इसमें आपको मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस दिखाना होता है और इसमें बेल मिलना बहुत मुश्किल होता है, इसकी प्रोविजंस जो हैं नॉर्मल सीआरपीसी जैसी नहीं होती, इनफैक्ट इसकी प्रोविजंस इतनी ड्रैकोनियन है कि वो अलग से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है केस। दूसरा, इन्होंने कहा कि ये बार बार मुझसे पूछ रहे हैं ना कि पैसा ट्रेल मनी, इनको सुप्रीम कोर्ट की बात पे भी विश्वास नहीं है। तो मानक जी मैं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी से कहती हूँ, ये क्या करती है भाजपा, ये माहौल बनाती है। जैसे आज इन्होंने कोर्ट में कह दिया कि हम पॉलिसी को चैलेंज नहीं कर रहे, पॉलिसी बढ़िया है, पर माहौल क्या बनाती है, अरे इतनी खराब पॉलिसी, माहौल क्या बनाती है, अरे 147 फोन्स रिकवर हो गए, संबित पात्रा ने ये पीसी की थी, 147 फोन्स रिकवर हो गए, फर्जीवाड़ा ये वो, कोर्ट में इन्होंने कहा 14 फोन्स, फिर कोर्ट में इन्होंने कहा 14 भी नहीं भाई 3 फोन्स। तो ये इनकी असलियत है, ये पब्लिक परसेप्शन बिल्ड करना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी वाले लोग भाजपा ही जैसे करप्ट हैं, पर ऐसा हो नहीं रहा, क्योंकि अब सबने देख लिया कि 70,000 के करोड़ के घोटाले वाले को ये माला पहना के लाते हैं, कि बलात्कारियों को ये माला पहना के अपनी पार्टी में शामिल करते हैं, कि ब्रिजभूषण जनता पार्टी के लिए पार्टी वाले लोगों के खिलाफ अगर एक एफआईआर करनी हो तो महिलाओं को 3 महीना जमीन पर बैठना पड़ता है, कि ये दलित विरोधी भाजपा हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हमारी प्रेसिडेंट को भी नई पार्लियामेंट की इनॉग्रेशन में नहीं बुलाते। तो सर आपका पैक झोला उठा के जाने का टाइम आ गया है। आरपी सिंह जी बोलिए, आपसे त्रस्त है, आरपी सिंह जी आपकी बारी है, बोलिए। महंगाई दी है, जॉबलेसनेस दी है, आरपी सिंह जी इनसे पूछिए, ओपी सोनी जी ड्रग्स के मामले में अरेस्ट क्यों है क्या, पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री आशु वहां के जो मंत्री थे ड्रग्स के मामले में अरेस्ट किए क्या, श्याम सुंदर अरोड़ा ड्रग्स के मामले में अरेस्ट किया क्या, सुरदूल सिंह इन्होंने ड्रग्स के मामले में अरेस्ट किया क्या, चारों के चारों को भ्रष्टाचार के मामले में अरेस्ट किया है।
तुमने क्या की, आधी अधूरी जानकारी है, पता होता नहीं इसलिए बोलने आ जाते हैं, परंतु जो मूल मुद्दा आए हम इनकी सिसोदिया साहब का और इनका संजय सिंह का, यह बड़ा स्पष्ट हो चुका है कि इन लोगों ने घोटाला किया, ये कोर्ट में भी स्पष्ट हो चुका है, ये पता नहीं कहां से झूठ। अगर मैं चाहूंगा आप कृपा कर इनसे वो जो ये कोर्ट के लेकर बात करिए उसके एविडेंस मंगवा रहे, उसके डॉक्यूमेंट पेपर भी मंगवा रहे इनसे। ये निराधार झूठ बोलना, कैसे कहती है हजार जगह रेडियो, इनसे कोई सूची मांग रहे कौन सी हजार जगह रेडियो, कोई उत्तर नहीं मिलेगा इनसे इनके पास। क्या कि इनको एक बाउंड्री खड़ा करने की झूठ बोलने की आदत है। पर मूल बात है कि सिसोदिया साहब ने कोशिश करी चार बार सुप्रीम कोर्ट जाकर, उनको बेल नहीं दी कोर्ट ने। क्यों नहीं दी? क्योंकि उनको दिखता है कि इसमें घोटाला हुआ है। और मैं रिपीट कर रहा हूँ कि कोर्ट ने यहां तक कंफर्मेशन दी कि ये सिसोदिया साहब इज द आर्किटेक्ट ऑफ द लिकर स्कैम, ये कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है। तो दिक्कत यह है कि इनको कोर्ट पे भी विश्वास नहीं है। अगर इतना ही सारा मामला था तो कोर्ट से केस क्वैश करा लेते। असल में दिक्कत यह है कि एक सेकंड दे दीजिए, एक सेकंड मैं आपकी बात, आपके मन की बात कर देता हूं। दिक्कत यह है, इनको डर यह है कि वो जो दिनेश अरोड़ा है, अभी आगे आगे क्या क्या उबलेगा, क्या क्या बोलेगा, वो क्या क्या जानकारी देगा, वो जब कन्फ्रंट किया जाएगा संजय सिंह के सामने, वो क्या क्या निकल कर आएगा, केजरीवाल के बारे में क्या क्या बोलेगा, डर वहां है असल में। ओके, आरपी सिंह जी, मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले आंकड़ा दिया उस पर आपके क्या विचार हैं? यूपीए के समय सिर्फ 53% लोग विपक्षी नेता थे और एनडीए के समय 95%। जी जी जी, जो सच ये है कि अगर भ्रष्टाचार जो करेगा वो जाएगा। इनके समय में ही, यूपीए के समय में ही कांग्रेस के दोनों बड़े नेताओं के खिलाफ केस हुए, हमने नहीं किए। वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी के ऊपर जो 5,000 करोड़ रुपए का नेशनल हेराल्ड का मामला है, वो इन्हीं के समय की बात है, हमारे समय की बात नहीं है। तो दिखता है कि जो मामला है वो सामने आएगा। आनंद दुबे, जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा, इसको कॉम्प्लिकेट क्यों करते हैं? मेरा चैलेंज है, मानक जी, मानक, अच्छा आरके सिंह जल्दी से 10 सेकंड और, आप हायर करें, उसकी फीस मैं दूंगा। सुनिए, अगर कोई केस हो तो उसको लड़िए, उसको जीतिए, अगर आप नहीं जीत सके तो दुगने पैसे मुझे वापस देके जाइए। ओके, आनंद दुबे जी, मानक जी, वो जो 55% की बात आप कर रहे थे, जो 95 तक आ गया, उसमें से बचे हुए 45% भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। आंकड़ा सब कुछ ठीक ठाक है, सिर्फ जो लोग यहाँ थे वो वहाँ चले गए, रेड बंद हो गई, सिंपल सी बात है। आनंद दुबे कंफ्यूज कर रहे हैं, एक मिनट आरपी सिंह जी, एक सेकंड, कंफ्यूज कर रहे हैं भाई। 53% था ना, अब वो 95% है, 95%, सिर्फ 5% ही तो नहीं है विपक्ष से। वो कह रहे हैं भ्रष्टाचार विपक्षी कर रहे हैं, इसका मतलब 95%, तो हम क्या करें इसमें? मानक जी, मैं वही बार बार कह रहा हूं कि जो भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं उसमें